कुछ भी कहिए, दिवाली अगर मनी है तो सूरत में। इस दिवाली के सामने बीजेपी की दो दो दिवालियां फेल लगती हैं। इस स्टेडियम में आप सैकड़ों कारों को की तस्वीरें देख रहे हैं। कुल 491 कारें हैं जो हरिकृष्णा एक्सपोर्ट के बेहतरीन कर्मचारियों को दिवाली के तोहफे पर दी गई हैं। 525 कर्मचारियों को 3.5 लाख रुपए के आभूषण दिए गए हैं और उन 200 कर्मचारियों को 2 कमरे का फ्लैट दिया गया है जिनके पास घर नहीं है। इसे देखकर आप अपनी अपनी कंपनियों को कोसे ना, उदास ना हो। हरिकृष्णा एक्सपोर्ट के चेयरमैन सावजी भाई ढोलकिया ने तो कमाल ही कर दिया। 1200 कर्मचारियों को ऐसे तोहफे दे दिए कि अब किसी को ग्लास सेट, मिठाई, काजू बादाम वाली दिवाली गिफ्ट ठीक नहीं लग रही है। मीडिया के फुफेरे भाई सोशल मीडिया पर भी इस खबर की खूब चर्चा है। इतना ही नहीं, इस साल से वे अपना हीरा पॉलिश करने वाले कामगारों को डायमंड इंजीनियर कहा करेंगे। इन कर्मचारियों के दम पर कंपनी ने इस साल $1 अरब का निर्यात किया है। जरूर इससे ज्यादा निर्यात करने वाली कई कंपनियां भारत में होंगी, मगर सावजी भाई जैसा कोई प्रकाश में फिलहाल नहीं आया है। कंपनियों में कुछ कर्मचारियों को बोनस जरूर मिलते हैं, मगर 200 कर्मचारियों को फ्लैट दे देना ये कोई नई बात लगती है। वैसे खबरों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अमेठी में कोई 12,000 साड़ियां बंटवाई है। इसकी लागत पर भी सोशल मीडिया में चर्चा है, लेकिन कार और मकान के सामने कहां ये साड़ियां। चलिए ये भी ठीक ही है। सावजी भाई ढोलकिया की एक बात मुझे तो अच्छी लगी कि किसी और को, मगर वो चुप सकती है किसी और को। ढोलकिया साहब ने प्रेस से कहा कि मेरे कर्मचारियों ने काफी मेहनत की है, मैं सभी मुनाफे को खुद नहीं रख सकता, मुझे इनाम तो देना ही था। वैसे पिछले साल भी इन्होंने 100 कर्मचारियों को कार तोहफे में दी थी। 100 कारें। सावजी भाई हमारे साथ हैं प्राइम टाइम में, आपका स्वागत है। आपसे मिलकर अच्छा लगा जी। मेरी आवाज पहुंच रही होगी सावजी भाई ढोलकिया साहब, माफी चाहता हूं कि आपको कुछ असुविधा हुई हमारी वजह से, लेकिन फिर भी प्राइम टाइम के दर्शक सावजी भाई ढोलकिया के की शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहते हैं कि वहां से यहां तक कैसे पहुंचे। तब क्या आप तंग दिल थे, अब क्या आप बहुत दरिया दिल हो गए हैं, बड़े दिल वाले हो गए हैं? ये तो भगवान की कुछ कृपा है कि हम जीरो से बड़े हुए हैं। हमारे पास कुछ नहीं था, जो भी था ये कुदरत की देन है। और ये हमारा जो कर्मचारी है, जो उसकी वफादारी है, उसकी जो मेहनत है, हमको तो एक निमित बनाया है। हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या है और पहले क्या था, इसलिए वो देने की तो ज्यादा हिम्मत चलती है। और दूसरी बात वही है कि मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आपको आवाज कम आ रही होगी। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज एक्सपीरियंस ठीक आ रही है जी। और अभी तक मैंने बहुत बहुत सा ऐसा एक्सपीरियंस किया है, देने से हमारा कभी कम नहीं होता है, क्योंकि एक नेचर का नियम है। एक दाना जो हम बोलते हैं तो 100 देते हैं, तो हमारा कर्मचारी है, ये कहां से हमारे नुकसान होने देंगे। और हमने आज तक ऐसा सोचा नहीं है, और आज तक हमको जो दिया है इससे ज्यादा ही मिला है। वैसा समझ के हम लोगों ने एक लॉयल्टी प्रोग्राम का प्लानिंग बनाया था कि हम लोग इतना बड़े हुए जी। 91 में जो हमने एक्सपोर्ट किया था 1 करोड़ का किया था, चारों भाई ने मिलके कंपनी स्टार्ट की, तो 1 करोड़ से लेके आज हम 6,000 करोड़ के नजदीक पहुंच गए हैं। तो इस पे किसका हाथ है? तो सिल्ला लास्ट 5 ईयर से हम लोग एक आइडेंटिफाई कर रहे थे, इसमें से हमको ये 1200 लोगों ने जो मेहनत की है उसका हमने परफेक्ट एक एनालिसिस किया, और पता चला कि ये 1200 का बहुत बड़ा हाथ है हमको आगे ले जाने के। ये 1200 लोगों को ऐसा देने का है कि ये 1200 लोगों को सुनकर हमारी इंडस्ट्री में और हमारा जो 6,000 वर्कर है वो सब इसमें से प्रेरणा ले और अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे। वो लोगों के पास इतनी ताकत है, उतनी स्किल है, लेकिन उसको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। तो सोचा कि ऐसा कुछ गिफ्ट दे। सावजी भाई, इन 1200 कर्मचारियों का चुनाव आपने कैसे किया? क्या ये वो कर्मचारी थे जो आपके पास बहुत दिनों से काम कर रहे थे उस आधार पर, या 6,000 में से 1200 लोगों को चुनना, मतलब एक कोई और अपनी कोई टेक्नोलॉजी आपने लगाई या बाहर से कोई ऐसे एचआर एजेंसी हायर की? जी नहीं, खुद की हमारी टेक्नोलॉजी है। मेरा बेटा ने भी, मैंने वो MBA करा के न्यूयॉर्क से पढ़ा के इधर लाया, 6 साल से उसको भी ट्रेनिंग दी, और सब लोगों ने मिलके ये एनालिसिस किया कि ये हम लोग जो बढ़ रहे हैं उसके पीछे किसका हाथ है। तो हम लोगों के पास एक खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है कि हम लोग ये तय कर सकते हैं कि किसकी कितनी
ये कंपनी में वैल्यू एड की है, कितनी जिम्मेदारी बढ़ाई है, हमारा जो जो कंट्रोल करता है पूरा 6000 के सामने ये 1200 टिक सकता है। और मैं दूसरा बोलता हूँ, हमने जो उसको ट्रेनिंग दी है, हमने जो उससे जो बेनिफिट लिया है उसके पीछे ये थोड़ा सा दिया है, मतलब थोड़ा सा दिया हमने है। पूरा सावजी भाई आप कार दी है आपने, आप दो दो कमरे का मकान दिया है, ये थोड़ा सा दिया आपने, और भी ज्यादा मिलने वाला है क्या सर? उसकी मेहनत के आगे कुछ नहीं है। और वो भी मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये 6000 लोग इसमें से प्रेरणा लेंगे, हमारी पूरी इंडस्ट्री इसमें से प्रेरणा लेगी, और जो डायमंड की चमक है ना, वैसा हमारा डायमंड का वर्कर की चमक होनी चाहिए और उसका स्टेटस इतना ही होना चाहिए, वो अगले दिनों में आप देख सकेंगे। इससे हम लोगों ने, हमारा राष्ट्र ने क्या पाया है, हमारा गुजरात ने क्या पाया है, हमारा सूरत ने क्या पाया है, हमारी इंडस्ट्री ने क्या पाया है, वो अगले आप 5 साल में देखेंगे अपनी शिक्षा बदलने वाली है। सावजी भाई, आपके इस तोहफे की चर्चा पूरी दुनिया में है और कई लोग कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई जगह है तो वो आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, कि दो कमरे का मकान मिल जाएगा, कार मिल जाएगा। कहीं आपने कार्ल मार्क्स की पढ़ाई तो नहीं की है? क्या मैं एक कम्युनिस्ट मिजाज के बिजनेसमैन से बात कर रहा हूँ या एक खांटी बिजनेसमैन से जो सिर्फ बिजनेस करता है उससे बात कर रहा हूँ? मैं, आप ऐसे बात कर रहे हो, को जीवन में कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ा नहीं है इसलिए हर रोज पढ़ता है, हर रोज नई सीखता है और हर रोज अपने आप में को उजास और जुस्सो भरता है, वो आदमी से आप बात कर रहे हो। आपने पढ़ाई नहीं की है सावजी भाई? नहीं नहीं, मैंने 4 तक ही पढ़ाई, मैं 12 साल का था तभी ये डायमंड इंडस्ट्री में आ गया, और 10 साल तक जो मैंने आज गिफ्ट दी वो काम मैंने 10 साल तक किया है सूरत में अपने भाइयों के साथ। हम 4 भाई हो, चारों भाई मिलके एक ग्रेजुएट नहीं होते है, चारों इतना पढ़ा लिखा है। पर ये मेरा भाई सबसे छोटा है, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ा है, लेकिन वो भी 10 पढ़ा हुआ है, चौथी क्लास पास। सावजी भाई, आपने 100,000 करोड़ बताया या 1,000 करोड़ का बिजनेस बताया आपने? 100,000 करोड़, 6,000 करोड़, 6,000 करोड़ हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं जी, 6,000 करोड़ का बिजनेस है। कहीं आप कम्युनिस्ट तो नहीं है? कहीं आप कम्युनिस्ट तो नहीं है? मैं ये पूछ रहा था, कहीं आप कम्युनिस्ट तो नहीं? कम्युनिस्ट का गुजराती बोलो भैया, मैं गुजराती हूँ, हिंदी मैं तो आपकी सब दुआ से हिंदी सीखा हूँ। बहुत अच्छा, आगे जा नहीं सकता। मैं तो इससे खुश हूँ कि देखिए ये जो शब्द है ये बना था आम लोगों के लिए, लेकिन देखिए अच्छा है कि आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पढ़ते तो शायद आप दूसरे अकाउंट बुक में चले जाते और इस तरह से मजदूरों की कीमत आप ना समझते। लेकिन सावजी भाई एक बहुत बात, मेरी जात को जी सर पूरी कर लें अपनी बात। मैं मेरी जात को धन्यता अनुभवता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए हर रोज पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात। मैं एक बात जानना चाहता था सावजी भाई कि क्या इस तरह के स्कीम और भी कंपनियां सूरत में लागू की हैं या आपके हीरा व्यापार में ये बहुत आम है कि चूंकि बहुत पैसा कमाते हैं तो सबको इस तरह से बांट देता है? पिछली बार जी ये तो सही है, लेकिन ये अगले 5 साल में आप देखेंगे डायमंड इंडस्ट्री में एक हमको विजन था वो मिल गया है, क्योंकि हमारा ज्यादा देने से हमारा मुनाफा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल आता है वो वर्ल्ड में से आता है और हम लोग जो लेबर बना के और हमारा मुनाफा सड़ा के बेच देते है। हमारे पास लेबर 30% है तो भी बिक जाता है और 20% हम लेबर देंगे तो भी बिक जाएंगे, क्योंकि जितना लेबर ज्यादा देंगे इतनी हमारी रफ की प्राइस कम होगी, क्योंकि हम रो मटेरियल बाहर से लाते हैं तो हमको जो 30% मजूरी देने की है तो हम वो गिनती करके रो मटेरियल खरीदेंगे और रो मटेरियल का प्राइस वैसा रहेगा, इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा। जो दुनिया की सोच बदल जाए तो हमारा लेबर को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलने लगेगा। साजी भाई मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को, एक पहला सवाल है कि आपने कितना खर्च किया इस पर अगर आप बता सकें तो, दूसरा सवाल है कि जिन लोगों को आपने घर दिया, जिन लोगों को आपने गाड़ी दी, वो किस स्तर के लोग हैं? क्या वो हम लोगों ने जो जी सर खर्चा तो 50 करोड़ का हमने नक्की किया था, 50 करोड़ हमको देने का है। अच्छा? हम चारों भाई ने मिलके, पार्टनरों ने मिलके नक्की किया था कि ये 50 करोड़ का हम किस हिसाब से सबको दे और क्या कैलकुलेशन करे, तो 50 करोड़ का हमारा बजट है। और हमने सोचा सबको, मेरा शौक है गाड़ी का, इसलिए मैंने सोचा सबको गाड़ी देने की है,
लेकिन बाद में सबको पूछा भाई 200 लोगों के पास घर नहीं है, तो बाद में प्लान चेंज किया कि 200 को पहले घर देना चाहिए, घर का ऐसा पोजीशन किया, बाद में सोचा कि भाई घर है 200, चलो हम एक प्रोजेक्ट बना के 200 घर का प्लानिंग तो कर लेंगे। अभी बाकी बचा तो कि 570 लोग ऐसे निकले जिसके पास घर भी था और ज्वेलरी भी थी, तो घर भी था और गाड़ी भी थी, तो सोचा कि उसको वाइफ के लिए ज्वेलरी दो, क्योंकि वो वाइफ भी हमारा वर्कर जो हमारे यहाँ काम करता है उसके पीछे वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम लोग वाइफ को प्रायोरिटी नहीं देते इधर गुजरात में, सब लोग कम देते हैं, सोचा वाइफ को भी इतना ही हक है, हमारी तीसरी प्रायोरिटी वाइफ के लिए होनी चाहिए, एटले ज्वेलरी का सोचा, और बाकी का जो बचा था उसको घर था, उसको पहले गाड़ी चाहिए थी, एटले जो 491 लोग है उसके लिए गाड़ी का बंदोबस्त किया और 491 गाड़ी ली। 1267 लोग जो हमारा क्वालिफायर थिया था, 1267 के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया, और मैं आज खुश हूँ आप लोगों ने, मेरे को मेरा उम्मीद नहीं था इतना बड़ा समाज को ये हाईलाइट किया, और दूसरी कंपनी को जो प्रेरणा मिलेगी। हाँ। आप सबको इतना आपकी इंडस्ट्री में भी सोच बदल जाएगी और सबकी सैलरी बढ़ जाएगी। अच्छा लग रहा है आपकी बातों को सुनकर। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को, आदमी हूँ, आपने मेरे को बहुत बड़ा बना दिया। नहीं, आप आपका काम बहुत अच्छा है, काम से आप बड़े हुए, चौथी क्लास से आप यहाँ तक पहुंचे कि आप अपने अतीत को नहीं भूले और अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को आपने ये तोहफा दिया है। पर कई कंपनियां बोनस देती हैं सावजी भाई, अगर जैसे इंफोसिस ने घोषणा की है कि वो अपने संख्या नहीं मुझे मालूम है कि अपने कर्मचारियों को वो 100% बोनस देंगे, तो जरूर वो भी 50-100 करोड़ उनका जितना स्केल है वो बड़ा हो जाता है। इन सब चीजों में अंतर क्या रहा, जिस तरह से आपने स्टेडियम में डिस्प्ले किया इसे, ये समाज को संदेश देने के लिए, और स्टेडियम के पीछे जो इमारत दिख रही है क्या वो भी आप ही की है? हम थोड़ा आपके बारे में और जानना चाहते हैं। जी हाँ, सही, ये स्टेडियम भी हमारा खुद का है, क्योंकि मैंने लंदन में स्टेडियम में क्रिकेट देखा था, वो गांगुली वाला। हाँ। तभी मैंने सोचा था कि एक ऐसा स्टेडियम मेरी फैक्ट्री में मैं बनाऊंगा, और वो स्टेडियम मैंने वहां पे बनाया, मेरा वर्कर क्रिकेट खेलता है और मैं पेवेलियन में बैठ के देखता हूँ, ये खुद का है। हमारे यहाँ जिम भी है, हमारे यहाँ स्टीम सोना बाथ सब कुछ है, स्विमिंग भी है, वॉलीबॉल ग्राउंड है, सब लोग शाम को 6 बजे हम वर्कर के साथ सब मैनेजर सब खेलते हैं, ये हमारा खुद का है, ये एक काम करने का तरीका है और एक बढ़िया सा काम लेने का भी एक तरीका है। आप तो कमाल के इंसान मालूम पड़ते हैं, आपने लंदन में स्टेडियम देखा, सूरत में स्टेडियम बना दिया, कहीं हीथरो एयरपोर्ट देखे, कहीं सूरत में हीथरो तो नहीं बनाने वाले हैं आप? यस, मेरी सोच तो बहुत बड़ी है, आप देखेंगे, यदि मैं विप्रो या तो रिलायंस होता ना तो ये देश की शिकल बदल जाती। क्या बात है, ये एक बात है, एक सवाल है, एक दर्शक ने पूछा है कि आपके इंडस्ट्री को बहुत सारे टैक्स में, करों में रियायत है, जो टैक्स में बहुत सारा कंसेशन है, तो क्या वो मिलना चाहिए आपकी इंडस्ट्री को, हीरा व्यापार को क्यों मिलना चाहिए? टैक्स मतलब आप बोला के वो बेनिफिट मिलना चाहिए, वैसा आप बोलते हो? हाँ, जो सरकार जो आप कमाते हैं, ये डजन मैटर। हाँ। एक सरकार दे के नहीं दे इसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैं टैक्स नहीं था तभी से इंडस्ट्री में हूँ, जब भी टैक्स नहीं था तभी कुछ नहीं किया, वो आज टैक्स होके तो भी कुछ नहीं कर सकता, टैक्स भरने से कोई आदमी मर नहीं जाता है, टैक्स तो भरना ही चाहिए। हमारा ये 1200 लोगों ने, उसने 10 करोड़ रुपया TDS भरा हुआ है। मैं इंडस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड में तुम आपको नहीं पता चलेगा जी, आपने आप एक और मैं खबर पढ़ रहा था कि आपने अपने कर्मचारियों को डायमंड इंजीनियर आपने बुलाने का फैसला किया है, ये फैसला क्यों किया है, और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वो उनका काम कैसा होता है, आपके काम जो वर्कर्स होते हैं? डायमंड इंजीनियर, हाँ, डायमंड इंजीनियर इसलिए नाम दिया है कि जो वो प्लानिंग कर रहा है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन इंजीनियर से बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और जो डायमंड पॉलिश कर रहा है उसको हमने लोगों ने डायमंड आर्टिस्ट बोला है, जो आर्टिस्ट नहीं कर सकता वो काम वो कर सकता है, बहुत माइनर काम है, वो पढ़ा लिखा प्रैक्टिस के बिना वो नहीं कर सकता, वैसा काम हमारा
इंजीनियर और आर्टिस्ट बिना पढ़कर कर सकता है, इसलिए वो नाम दिया है। और सही में मैं बताऊं, अपनी इंडिया में इंजीनियर की सैलरी नहीं है, वो हमारा डायमंड आर्टिस्ट की सैलरी है और इंजीनियर की सैलरी है, उसको तो इंजीनियर का सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए। मैं ये अच्छा है या स्किल डेवलपमेंट में ये काम आएगा? मैं ये जान सकता हूं कि जो आपके कर्मचारी हैं जिनको आप डायमंड इंजीनियर अब बुलाना चाहते हैं, वो महीने का कितना पगार कमा लेते होंगे औसतन? ये जो 1200 हो, ये तो 60-70 हजार 80 हजार महीने कमा ही लेता है, क्योंकि उसने टीडीएस 10 करोड़ भरा है। आप कैलकुलेशन पूरी दुनिया कर सकती है कि जिसने 1200 लोगों ने 10 करोड़ टीडीएस भरा है तो उसकी सैलरी 80 हजार से ज्यादा होगी ना होगी। तो मतलब ये लेकिन ये कोई पढ़ा लिखे लोग नहीं है, मतलब ये सब कमाते अपनी मजदूरी से, इनके टैलेंट पे इनकी सैलरी होती है ना? इनका जो टैलेंट, टैलेंट से कमाते है। उसने हमने टारगेट दे दिया है, हमने ट्रेनिंग दे दी है कि तू ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो ये मिलेगा, ये करेगा तो वो मिलेगा, और उसको पता है कि मेरे को क्या करना चाहिए और मैं क्या करूंगा तो मेरे को क्या मिलना है। ये खुद का बॉस खुद है, हम लोग उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, हमको वैसे तो हम उसको वर्कर नहीं बोलते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर हम दोनों शेयर होल्डर हम प्रॉफिट को शेयरिंग करते हैं। हमारा पिंटू है, मेरा भतीजा, उसने अमेरिका में पढ़ के आके उसको सोशल बिजनेस का स्टेटस दिया है। हम लोग सोशल बिजनेस कर रहे हैं, ना बिजनेस ना सोशल, सोशल बिजनेस कर रहे हैं। आपको कई लोग बधाई दे रहे हैं आपकी बातों को सुनकर, कोई डॉक्टर तोगड़िया है वो आपको बधाई दे रहे हैं, और एक बात जानना चाहते हैं कि आपके जो वर्कर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो किन किन राज्यों से आते हैं? क्या वो आपके ही राज्य के हैं, या जानना चाहता हूं कि उनका प्रोफाइल क्या है? मेरे यहाँ 21 राज्य का वर्कर है और 361 गांव के लोग है, और सबका माता पिता मेरे को पहचानता है, वो सबका माता पिता को मैं हरिद्वार की यात्रा पे लेके जाता हूँ, क्योंकि उसका माता पिता का भी हमारे पर ऋण है। इसकी वजह से हम लोग हर साल प्रोग्राम करते हैं, अपने वर्कर का माता पिता को यात्रा कराते हैं। साहब जी भाई, आपसे बातें करके तो लग रहा है कि मैं यात्रा करते हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री दुनिया में प्रॉफिट इस तरह से शेयर कई कंपनियां सीईओ को दे देती हैं, कुछ प्रमुख लोगों को दे देती हैं, लेकिन आप 300, इतना पता है कि आपके कर्मचारी 361 गांवों से आते हैं, 21 राज्यों से आते हैं, उनके माता पिता को भी आप हरिद्वार की यात्रा कराते हैं, अब तो और भी ज्यादा लोग पूछने लगे हैं कि आपके यहाँ उनके लिए कोई जगह है कि नहीं है, मैं क्या जवाब दूं उनको? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारा पेशेंस है, हमारा शौक है, और ये एक बिजनेस करने का तरीका भी है। मैं सबको बोलता हूँ, मैं सोशल नहीं करता हूँ, लेकिन बिजनेस में सोशल करता हूँ, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। जिसको जो हमारे यहाँ काम करता है, वो उसका बापा मदर फादर का ऋण है, क्योंकि ऐसा बेटा हमको दिया। साहब जी भाई, आपकी इतनी लॉयल्टी से काम, आपने बहुत ही दिलचस्प बात कही कि आप सोशल बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ कई उद्योगपति हैं जिनकी कमाई लाखों करोड़ में, कंपनियों की कमाई और खुद उनकी, पहले एक जमाना था जब गांधी जी ट्रस्टीशिप की बात करते थे तो ये बात होती थी कि आप लोग कुछ समाज पे खर्च करो, धर्मशालाएं बनवाओ, मंदिर ही बनवा दो, उस समय ये पैमाना था, स्कूल खुलवा दो, तो कई ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, लेकिन अब वैसा नहीं दिखता है। ऐसे उद्योगपतियों को आप कुछ बताना चाहेंगे कि 50 करोड़ रुपया अगर बोनस में दे दें, कर्मचारी के माँ बाप तक को हरिद्वार यात्रा कराएं, तो आपकी कंपनी डूबती नहीं है, बिजनेस डूबता नहीं है? अरे भैया, मैं इतना जरूर बताऊंगा कि पैसा देने से जिम्मेदारी लेने वाले की बढ़ जाती है। हम लोग ऐसा करें, ये हम तो प्योर व्यापारी है, हमको ज्यादा चाहिए इसलिए हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। और रही बात दूसरी, अभी आज से सब इंडस्ट्रियल लोग देखेंगे, दुनिया में जो देखेंगे उसको पता चलेगा, क्योंकि राम को पता था हनुमान को कि हनुमान ताकत राम ने बताई, बाद में हनुमान ने क्या किया, ये हमारा उद्योगपति सब हनुमान है। अब अगली 5 साल में आप देखेंगे अपनी सूरत की, अपने इंडिया की, अपने देश की शिकल बदलने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो, हालांकि वो उद्योगपति लोग हिंदी का कार्यक्रम नहीं देखते होंगे, लेकिन अगर देख रहे हैं तो वो जरूर, आप उनकी ताकत बता रहे हैं कि वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इस तरह से सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी खर्च कर सकते हैं।
और टैक्स बचाने के लिए नहीं, ये जो सीएसआर है वो टैक्स बचाइए, बेनिफिट मिलेगा उस पर खर्च कीजिए, वो वाला हिस्सा आपका नहीं है, आप सीधे सीधे अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। मैंने सुना कि आज आपने एक जेट विमान भी खरीदा है सावजी भाई। नहीं, हम लोगों ने चार ने विमान खरीदा है और वो स्टार्टर लेके ही मैं अभी एयरपोर्ट आया हूँ। हमने सूरत को सर्विस स्टार्टर सर्विस देने के लिए खरीदा है। हम चार लोग है, इसमें से हम लोग मुनाफा नहीं करने वाले है। एक सर्विस गुजरात को देने की है, सूरत को देने की है, क्योंकि हम 37 साल से सूरत में काम कर रहे हैं, हमारा ये वर्क प्लेस है और एक सुविधा नहीं है प्लेन की, तो स्टार्टर प्लेन की सर्विस होनी चाहिए। शायद नुकसान होवेंगे तो भी हम लोग चारों मिलकर ऐसा नक्की किया है कि सूरत को यह सर्विस देने की है और इसमें ही प्रॉफिट करने का है। अगले 5 साल में आप देखेंगे, अभी तक भले प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन ये बिजनेस में भी हम बेधड़क प्रॉफिट करेंगे और सर्विस देंगे और सेवा भी करेंगे। पर सावजी भाई, आपकी बातों को सुनकर मुझे लगता है कि बहुत सारे समाज शास्त्री चकरा जाएंगे, उद्योगपति फिर लगेंगे कि बंद करो ये रविश कुमार का प्रोग्राम, ऐसे उद्योगपतियों को क्यों ले आता है जो उनके कर्मचारियों में असंतोष पैदा कर देगा, कि वहाँ एक सावजी भाई है जो माँ बाप को हरिद्वार यात्रा कराते हैं और एक चांदी का सिक्का देकर टाटा बाय बाय कर देते हैं दिवाली में। जी ना, ऐसा नहीं है। ये बिजनेसमैनों को के वर्करों को संतोष नहीं होगा। मैं वर्कर को और बिजनेसमैन को उसकी ताकत दिखा रहा हूँ और वर्कर को बोल रहा हूँ कि जो मेरे या वर्कर काम कर रहा है ऐसा काम अपने बॉस के वहां करो तो अपना बॉस का दिल पिघलेगा ही, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। हम एक दाना बोएंगे तो 100 देंगे, एटले बॉस कभी ऐसा नहीं होता है। बॉस को भी थोड़ा सांस दो, अपनी मेहनत करके पहले दिखाओ जी, कोई ना आदमी देगा, क्योंकि सबको पैसा कमाने का है। साजी भाई, एक जवाब मैं चाहता हूं आपसे कि जब आपने ये किया और पिछले साल भी आपने 100 कारें दी तो आपके और जो सूरत में बहुत सारे हीरा व्यापारी हैं उन्होंने जरूर आपसे कहा होगा कि ये क्या कर रहे हो, धंधे का कानून बिगाड़ रहे हो, आप मत करो ऐसा, मुनाफा डूब जाएगा आपका, ऐसा कहा उन लोगों ने, क्या कहा? ना, किसी ने कुछ नहीं कहा है। हाँ, ये लोग तो बहुत ऐसे, तो हमारा सूरत में हमारा इंडस्ट्री में बहुत दिलावर लोग है, ये सब लोग फॉलो करते हैं और फॉलो करेंगे, इसलिए भला होने वाला है, इसलिए मैं दावा करता हूँ। ऐसा किसी ने नहीं बोला है कि भाई ये आप गलत कर रहे हो। वो लोग सोचते हैं और बात में करते हैं, काफी लोग ऐसा है कि पहले करते हैं, हम तो लेस वन प्लस वन या तो दो या लो, मैं पहले देता हूँ बाद में लेता हूँ, मैं भी व्यापारी हूँ, मेरे को रिफंड मिलता है, इससे ज्यादा मिलता है लेकिन देने के बाद मैं लेता हूँ। वाह साजी भाई, एक और बात बताइएगा कि आपकी जो तरक्की, कई उद्योगपति सोचते हैं कि सरकार नियम में ये कर दे वो कर दे तो हम फिर उद्योग चलाएंगे, क्या आपको सरकारी मदद भी मिली? और दूसरा जो सज्जन पूछ रहे हैं कि हीरा व्यापार को, कारोबार को 50,000 करोड़ का टैक्स छूट है, वो क्यों मिलना चाहिए, वो ये पूछ रहे हैं पूरे आपकी इंडस्ट्री को जिससे आप ये मैं ज्यादातर इसमें समझता नहीं हूँ लेकिन इतना समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारी डायमंड इंडस्ट्री को इतना काफी दिया है आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। दिया है क्या तो कभी नड़ी नहीं है, वो दिया है। ठीक है, मतलब कि डिस्टर्ब नहीं किया है किसी इंडस्ट्री लोग जी, ठीक है, जरूरी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि साहब जी भाई, एक व्यक्तिगत सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े होते तो कहीं ऐसी सोच होती क्या आपकी, अगर हार्वर्ड से लौट कर आते आप तो तब तो नहीं ऐसी शायद बात नहीं होती, 100% नहीं होती, शायद नहीं होती। ये मुझे जवाब मिल गया पढ़ाई लिखाई का, ये मुझे तो आज जवाब मिल गया कि अगर आप हार्वर्ड से पढ़ के आते तो आप अपनी कमाई का हिस्सा उनको ना देते और एक तरह से आपने साझेदार बनाया अपने कर्मचारियों को, उम्मीद करता हूँ वो बहुत गर्व करते होंगे। और आपकी पत्नी ने भी नहीं कहा कि इतना पैसा मत बांटो जी, गरबा अच्छा करा लेते हैं गुजरात में? ये मेरा भगवान की कृपा है, मेरा परिवार के ऊपर, हम लोग 28 जन है, 28 मेरा कभी मान तोड़ते नहीं, मेरा शब्द का उल्लंघन नहीं करते, मेरी वाइफ ने तो कभी डिस्टर्ब नहीं किया है, चारों भाई ने, मैं जो निर्णय लेता हूँ पूरे पूरा सहकार दिया है, उसकी वजह से मैं पूरा फ्रीडम हूँ और ये सब चीज कर रहा हूँ। तो आपका पूरा परिवार 28 लोगों का एक ही साथ रहता है, जैसा हम सीरियलों में देखते हैं गुजराती परिवार काफी बड़ा दिखता है वैसा? हम लोग एक ही छत पे रहते हैं,
पर जो चैनल है देखते हैं ना वो तरह से नहीं रहते है अने चैनल कभी देखते नहीं है। साजी भाई एक बात और जानना चाहते थे कि अगली दिवाली में आप मर्सिडीज या बड़ी बड़ी गाड़ियां तो नहीं देने वाले हैं, क्योंकि अभी भी लोग आपको बहुत बधाई दे रहे हैं, आपकी बातों से बहुत खुश हैं आपसे मिलके, और कई लोग कह रहे हैं काश सावजी भाई ढोलकिया के यहाँ नौकरी करते। यस, मर्सिडीज की जब भी हैसियत होगी तभी मर्सिडीज भी आएगी, लेकिन आपको बता दूं 18 साल पहले मैंने जब 52,000 मारुति की थी कीमत 800 की, तभी 3 कार गिफ्ट में दी थी, आज से 18 साल पहले, तभी मेरे पास 1 करोड़ की मूड़ी नहीं थी। तब भी आपने दिया था जब पूंजी नहीं थी आपके पास, और हम अपने दर्शकों को बता दें 18 साल पहले दी थी कि आप एक महादानी की तरह मुंबई की उसकी ये जी मुंबई के एयरपोर्ट के बाहर आप सड़क पर बैठकर ये इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई ऐसा उद्योगपति है जो 6000 करोड़ की कंपनी चलाता हो और सड़क पर बैठ के ऐसे इंटरव्यू दे देगा। ये भी आपकी शख्सियत का अच्छा हिस्सा है, इसको बनाए रखिएगा सावजी भाई ढोलकिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं, और ये भी मेरे लिए हिस्ट्री है, मैं आज से 25 साल पहले बम्बई में आया था, मेरे को एबोरोय में एंट्री नहीं मिली थी, मैं वहां पे दरिया के किनारे पे बैठ के सोचा था कि एक दिन इसमें नाइट रहने आऊंगा। अच्छा, तो आज वो आपकी मुराद पूरी हो गई। इसलिए खुशी है जी, यस आज इसलिए खुशी है कि ये इंटरव्यू दुनिया सुनेगी और वर्कर का भला होने वाला है, इसलिए मेरे को आनंद है, जहां भी बोलो देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें भी वर्कर का भला होने वाला है। अच्छा सावजी भाई एक सवाल, आप वर्कर की बात कर रहे हैं, अभी बहुत सारे कानून में बदलाव की बात हो रही है, कंपनियां चाहती हैं कि उन्हें अधिकार मिले कि जब मर्जी हो वो कर्मचारियों को निकाल दें, छटनी करें, क्या आपने भी ऐसा किया है, क्या लोगों को निकाला है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए? हमने कभी निकाला नहीं है, लेकिन हमने जो सिस्टम बनाई है, हमने जो मर्यादा रखी है, हम लोग जो प्रेम कर रहे हैं, वो हम जो चाहत दे रहे हैं, शायद 2-3% लोग ऐसा निकलता है कि सर आपकी बात सब सही है, लेकिन आपका क्राइटेरिया में मैं फिट नहीं होता हूँ, इसलिए मैं सलाह जाता हूँ 6 महीने के बाद मैं ट्रेनिंग लेके आऊंगा और आपका जो क्राइटेरिया है इसमें मैं फिट हो जाऊंगा, ये मेरी चैलेंज है, आप मेरे को दूसरी बार रखेंगे? तो मैं बोलता हूँ यस रखेंगे। हम जो चैलेंज करते हैं उसको सांस देते, हमारे किसी के साथ कभी झगड़ा नहीं होता, नहीं होता ऐसा कोई, मतलब आप वो बीमार पड़ते हैं आपके मजदूर तो उनको ख्याल रखते हैं, उनको इंश्योरेंस देते हैं, ये सारी सुविधाएं आपने दी हैं उनको, उनको प्रोविडेंट फंड में देते हैं, कई कंपनियां नहीं देती हैं जी। यस या हम लोग सबका इंश्योरेंस रखते हैं, हम सबका डेथ इंश्योरेंस रखते हैं, हम सबको कंपलसरी हेलमेट पहन के आने का रूल्स रखते हैं, जो हेलमेट पहन के नहीं आया तो उसको वहां पे एंट्री नहीं मिलती है, हमारे यहाँ तमाकू गुटखा कोई खाता नहीं है, हमारा जो वर्कर है उसके माँ बाप की बरोबर रिस्पेक्ट करेंगे, अपना हिस्से में से पैसा आता है उसमें से सेवा करेंगे, ये सब चीज हमने ट्रेनिंग देके वो सबको भावनाएं डेवलप की है। हमारी फैक्ट्री डायमंड बनाने की नहीं है, हमारी फैक्ट्री मानस बनाने की है, और मानस खुद डायमंड बनाता है। बहुत दिनों के बाद एक ऐसे उद्योगपति से बात की है जिससे लगा कि बात हो सकती है, आपकी फैक्ट्री हीरा बनाने की नहीं है, मानव बनाने की है। सेल का एक पुराना विज्ञापन याद आता है कि वो लिखते हैं, उनका वो लिखा होता था कि हम स्टील भी हम बनाते हैं, मतलब बाकी और सारी चीजें करते हैं, उसमें जो मेन काम है उसको वो कहते थे कि स्टील भी हम बनाते हैं। तो उसी तर्ज पर आपकी ये बात बहुत जम गई सावजी भाई ढोलकिया, आप हमारे लिए आप सड़क पर बैठे, आपकी दरिया दिली को कि हम सराहना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप अपने मजदूरों का इसी तरह से ख्याल रखेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी अमेरिका यात्रा मंगलमय हो, और हम चाहते हैं कि थैंक यू गुड लक जी, आपके कर्मचारी भी और काम करें, उनको और मिले, और जिन जिन जगहों पर ये कर्मचारी देख रहे हैं वो अपनी कंपनियों पे दबाव डालें कि वो और अच्छा काम करना चाहते हैं, मगर आप सावजी भाई ढोलकिया तो पहले बनिए और बन के दिखाइए, आपकी हथेली खुजला रही है तो जरूर किसी ना किसी को कुछ और मिलेगा हिंदू मान्यताओं के मुताबिक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप उतने ही विनम्र हैं, आप उतने ही दरियादिल इंसान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद शरद शर्मा ने आज आप दर्शकों के लिए दिल्ली के बाजारों में थोड़ी तफरी की और जाना कि लोग क्या खरीद रहे हैं, कहीं चम्मच खरीद के धनतेरस के दिन तो घर नहीं लौटा है, छोटे से ब्रेक के बाद।